हे गाइस, वेलकम टू हाउ टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी मैडम आपका होस्ट दोस्त। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात कर रहे हैं गूगल क्रोम की सात ऐसी एक्सटेंशन। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होने वाली हैं। तो आपको ये एक्सटेंशन काफ़ी फ़ायदा देने वाली हैं। तो आइए देख लेते हैं वो कौन सी सात एक्सटेंशन हैं जो कि आपको रेबल और फीडबैक अच्छा देंगे और आपको ये कारामद साबित होंगी। तो चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर। तो वैसे हम पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पहुंचने के बाद सिंपली हम ओपन कर लेते हैं अपना गूगल क्रोम ब्राउजर एज यूजुअल। हमें जानना है आज गूगल क्रोम एक्सटेंशन कौन सी ऐसी खास एक्सटेंशन हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। तो साथ मेरे पास एक्सटेंशन मौजूद हैं अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर। मैंने टैब्स ओपन कर रखी हैं अपने गूगल क्रोम के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर, अपने पीसी में। गूगल क्रोम ब्राउजर के ऊपर मैंने अपने 7 टैब्स, कुछ 6 टैब्स अभी के लिए ही मैंने ओपन कर रखी हैं। नंबर वन पे जो एक्सटेंशन है वो है सिलेक्शन एडिटर। सिलेक्शन एडिटर एक ऐसी एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपकी ग्रामर वीक है तो आप कोई भी सेंटेंस को कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट करेंगे तो वो आपको उसकी वॉइस ओवर आपको दे देगा, कुछ रीड करके बता देगा कि इस तरह से इसको हम रीड कर सकते हैं और उसका कुछ आपको मीनिंग बताने की कोशिश करेगा। तो इसके ऊपर आप इसकी स्पीड भी सेट कर सकते हैं। इस स्पीड में बोल रहे हैं या कुछ लड़की बोल रहे हैं या कोई लड़का बोल रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में आप उसको सेट आउट कर सकते हैं। तो ये थी नंबर वन के ऊपर हमारी गूगल क्रोम की एक्सटेंशन। नंबर दो पे ग्रामरली है हमारे पास गूगल ग्रामरली फॉर क्रोम। जैसे कि इसके नेम से हमें पता चलता है ये ग्रामर के लिए है। अगर आपके सेंटेंसेस वीक हैं, अगर आप कोई टाइपिंग जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप यूनिवर्सिटी का कोई वर्क करते हैं जिसमें आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी पड़ती है, वर्ड फाइल कन्वर्ट करनी चाहती है, या अगर आपको वर्ड फाइल बनानी है या आपको ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइन करनी है या आपको कोई भी प्रेजेंटेशन सेंड करनी है, तो जब भी आप टाइपिंग कर रहे होंगे या कीवर्ड्स का मजमूआ होगा उसमें आप जब भी कोई मिस्टेक करेंगे तो ये वाली एक्सटेंशन आपको बताएगी कि आपने इस जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक की है या आपने इस जगह पर सेंटेंस की मिस्टेक की है, तो ये आपकी ग्रामर या सेंटेंस को दुरुस्त करेगा या ठीक करेगा या करेक्ट करेगा। तो ये थी हमारे नंबर टू के ऊपर, ये आपको मस्ट इंस्टॉल करना चाहिए। काफ़ी अच्छी और रिलायबल मुझे फीडबैक इसका मिल रहा है और मैं काफ़ी देर से इसे यूज़ कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर। मैं इसको काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी सॉरी इसकी इसके ऑफिशियल एप्लीकेशन भी, जैसे कि हमारा और एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि हम इंस्टॉल कर रखा है, गूगल क्रोम कर रखा है, इस तरह इसका एक आउटस्टैंडिंग एक अपना सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी आप वर्क कर सकते हैं। अगर वो आप इंस्टॉल करना तो इसकी सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं grammarly.com। नंबर थ्री के ऊपर जो हमारा एक्सटेंशन है वो है लॉस्ट पास। फ्री पासवर्ड मैनेजर है, ये पासवर्ड कलेक्ट करता है। अगर आपके ऊपर बर्डन आ जाता है पासवर्ड्स का, अगर आपको याद नहीं रहते, आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर मल्टीटास्किंग है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स क्रिएट करनी होती हैं, उसके इधर से पासवर्ड होते हैं, फेसबुक के ऊपर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, गूगल क्रोम के ऊपर हैं, या जी मेल आई डी आपकी ज़्यादा है, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर लॉगिन करना होता है और उन सबका पासवर्ड आप मुख्तलिफ रखते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए या एक्सटेंशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। इसमें आप तमाम वो पासवर्ड वगैरह सेव कर सकते हैं। आपको जैसे इसके ऊपर एक दफ़ा इंस्टॉल करने के बाद साइनअप करना पड़ेगा और वो एक्टिव हो जाएगी जैसे ही। तो तमाम के तमाम जब भी आपके पासवर्ड इसके अंदर सेव करेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी वो आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो आपको पासवर्ड प्रोवाइड करेगी और आप इजीली उसके अंदर लॉगिन करेंगे, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन इसमें पाया जाता है। तो नंबर फोर पे जो मैंने एक्सटेंशन है वो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल भी है, वो है लाइट शॉट स्क्रीन शॉट टूल। लाइक मैं इसके ऊपर अभी मैंने इंस्टॉल करके क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दे देगा पूरा एरिया कैप्चर करके आपको कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए। तो आप इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रैग करेंगे जितना पार्ट चाहिए और यहाँ पर हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये हमें सेव के लिए दे देगा लोकेशन आपने कहाँ देनी है। तो सेव, तो बस इतना सा काम है आपकी जो है सेव हो चुकी है। तो इस टूल के साथ फ़ायदेमंद आपको ये देखने को मिलता है इसका गूगल क्रोम के अंदर। जो भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको किसी भी ऐसे का या कोटेशंस का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो उतना ही स्क्रीनशॉट लेंगे, फुल स्क्रीन का नहीं लेंगे, तो ये आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद देगा। इसके और भी काफ़ी एक्सटेंशन है पर ये वाला काफ़ी अच्छा काम करता है। तो नेक्स्ट एक्सटेंशन को देख लेते हैं। नंबर फाइव के ऊपर जो एक्सटेंशन है ब्लॉक एंड फोकस है। ब्लॉक एंड फोकस एक ऐसी है कि अगर आप अपने टीचर को कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं ऑनलाइन या आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं या आपको कोई प्रेजेंटेशन मेक करनी है तो ये हमारी कल के सोशल मीडिया वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है और आप इसके अंदर टाइम पीरियड सेट करते हैं कि मेरे पास इतनी ब्रेक है और मैं उस दौरान ये वेबसाइट ओपन कर पाऊँगा, या ये हमें नोटिफिकेशन दे देता है कि अभी आपकी रिसेस हो चुकी है, आप इनको छोड़ के अपनी सोशल मीडिया के ऊपर टाइम दे सकते हैं। तब तक ये ब्लॉक रखेगा जब तक वो टाइम आ ना जाए, यानी कि इसके अंदर हम टाइमर सेट कर सकते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो ये हमारी पांचवी थी। तो नंबर सिक्स के ऊपर जो एक्सटेंशन है वो है एड ब्लॉकिंग के हवाले से है। ये मेरी तरफ से स्टूडेंट्स को एक कम्फर्ट फील है, अगर आप जैसे कोई मूवीज वेबसाइट पर या आप डॉक्यूमेंट्स फाइल पर जाते हैं
या किसी भी आप ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जिसके ऊपर एड्स भरे पड़े हैं, उसके अंदर आप अपना एसे वगैरह डाउनलोड करते हैं या प्रेजेंटेशन डाउनलोड करते हैं, तो उसके अंदर आपको काफ़ी पॉपअप्स उसके अंदर आपको काफ़ी पॉपअप एड्स देखने को मिल जाती है। तो आप ये वाली एक्सटेंशन जो है आफ्टर नून देर, इसमें मुझे बता रहा है जैसे इस एक्सटेंशन का नेम है, बता देता हूँ आपको। तो इस एक्सटेंशन का नाम है फेयर एड ब्लॉकर। ये काफ़ी मज़े का एक्सटेंशन है। इसके अंदर तमाम एप्लीकेशन की जितनी भी गूगल क्रोम में हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट, मूवीज़ वेबसाइट, उन तमाम की पॉपअप एड्स से लेकर वीडियो एड्स तक तमाम के तमाम ये स्किप करता है और उसको रिमूव करता है तब तक हम वो ऐड नहीं देख पाएंगे जब तक हम इसके अंदर से ऑफ वो ना कर दें। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन था। और नंबर 7 पे जो कि लास्ट हमारी वीडियो में बट नॉट लीस्ट वो है वॉल्यूम बूस्टर है, कि ये ऐसी की एक्सटेंशन है कि अगर आपकी स्पीकर्स की आवाज़ या प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं या कोई लेक्चर ले रहे हैं तो हमारे लैपटॉप की आवाज़ काफ़ी कम होती है, तो हमें वो बढ़ानी होती है, वो हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो सिंपली आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है वॉल्यूम बूस्टर के नेम से है, गूगल क्रोम में जाकर सर्च आउट करेंगे तो आपको देखने मिल जाएगी। तो सिंपली हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर फुल कर देना है, तो आपकी जो साउंड क्वालिटी है, साउंड आवाज़ क्वालिटी होगी या आपका साउंड होगा वो काफ़ी एक हाई लेवल तक पहुंच जाएगा और आप इजीली क्लैरिटी के साथ अपना लेक्चर सुन पाएंगे। तो ये थी मेरी कुछ आज की 7 एक्सटेंशन जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आई होप कि आपको ये 7 एक्सटेंशन पसंद आई हो। तो अगर आपके भी माइंड में कुछ इस तरह के एक्सटेंशन हैं तो लेट मी नो कि आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको इन 7 एक्सटेंशन में कोई इशू फेस आता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताएं, तो इंशाल्लाह हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आती है लाइक मस्ट कीजिएगा और इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।